हेलो भाई वरुण पवार, आज हमारे सामने कैसी गाड़ी खड़ी है भाई। सारे यंगस्टर जिसको सपना देखते हैं भाई एक बार इतना कमा ले कि ये गाड़ी तो जरूर खरीदे भाई। ये आपकी ना अंदर देन रेंज रोवर भाई। इसके ऊपर कई गाने बन रखे हैं, कई गीत लिखे गए हैं, कई लोगों ने इसके सपने देखते देखते भाई इतनी मेहनत करी है कि वो इसको बना भी लेते हैं। उनमें से एक आज हमारे सामने ये रेंज रोवर खड़ी हुई है, जहां पे मैंने लास्ट वीडियो में इसके ओनर से बात करी थी। आज मैं आपको इस गाड़ी के डिटेल में फीचर्स दिखाने वाला हूँ कि भाई आखिरकार है क्या इतना खास इस गाड़ी में जिसके लिए लोग 87 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए लैंड रोवर को ऐसे ही दे देते हैं। तो स्पेशल इसमें सबसे पहले हम चाबी से स्टार्ट करते हैं। इस तरीके की आती है भाई, ये कवर तो आपको बाद में चढ़वाना पड़ेगा, लेकिन कंपनी से जो आपको फीचर्स मिलेंगे वो 5 फीचर्स इसमें देखने को मिलते हैं। लॉक का बटन है, अनलॉक का बटन है। तो जैसे हम इस बटन को दबाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो LEDs है वो ऑन हो चुकी है, और इसमें से भाई पी किसी आवाज आती है, जैसे पंखा से चलता है ना, हम आफ्टर मार्केट LED चलवाते हैं, उस तरीके की साउंड क्रिएट करता है। इसके अलावा एक बटन इसमें दे रखा है भाई इसकी डिग्गी खोलने का, ये इलेक्ट्रॉनिक वाला है। आप देखोगे जादू हम दिखाते रहते हैं अक्सर आप अपनी वीडियोस में, तो हम चाहे तो यहाँ से भी लगा सकते हैं, वरना एक बटन अपने को यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है, इसको भी हम बंद कर सकते हैं। दो दो हैंडल भी दे रखे हैं कि अगर आपको शक है इसकी रिलायबिलिटी पे तो ये बंद हो जाएगी भाई। इसमें शोर देखो कैसे करती है, रेंज रोवर लिखा गया है। यहाँ पे चाबी के 5 बटन की बात करोगे तो यहाँ पे अगर आप इसको दबाओगे तो भाई इसकी जो है ऊँ पी 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 बहुत तेज आवाज़ करने लग जाती है, मतलब अलर्ट इसके स्टार्ट हो जाते हैं, जो मैं चाहता नहीं भाई स्टार्ट करने, क्योंकि आसपास की जनता आ जाए हम वैसे ही लेह लद्दाख में तो फिर अच्छा सा लगेगा नहीं भाई। यहाँ पे आप बात करोगे तो इसके अंदर भाई ये हेडलाइट वॉशर अपने आते हैं, वाइपर के साथ हेडलाइट जला दोगे तो ये निकल के आ जाते हैं। फॉग लाइट अपने नीचे इसमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं आपको लिटिल लिटिल, और यहाँ पे इसकी DRL जलती है भाई, यहाँ पे इंडिकेटर जलता है, यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा आता है। तो भाई यहाँ पे फ्रंट में यहाँ पे अपने को कैमरा देखने को मिलता है, और यहाँ पे 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर भी अपने को देखने को मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से दे रखे हैं। साइड में बढ़ते हैं तो भाई ये ऑल व्हील ड्राइव है, तो इस ऐसी हालत आपको रेंज रोवर की मिलना लाजमी ही है, तो इसमें कोई भी डाउट ना करें। साइड से देखो भाई, आगे से लोग बेशक अपनी ब्रेजाओं को रेंज रोवर बना लेते हो, लेकिन साइड से ये उतनी तगड़ी लगती है। कलर्स आपको इस तरीके के देखने को मिलेंगे, जहाँ पे 235, 65 और 18 की पूरी प्रोफाइल आपको मिलती है। चारों डिस्क ब्रेक मिल रही है भाई, दोनों ORVMs पे अपने को कैमरा मिलता है विद ORVMs, जो अपने को लॉक अनलॉक करने पे फोल्डेबल मिल जाते हैं। यहाँ पे बात करोगे तो भाई कीलेस एंट्री अपने को मिल जाती है चारों डोर्स पे। देखो जैसे मैंने गाड़ी अभी लॉक करी, मैं इसके पास जाऊँगा, चाबी मेरे जेब में है, मैं पे हाथ डालूंगा, ये अपने आप अनलॉक गाड़ी हो जाती है। तो ये मैंने आगे वाले डोर के साथ आपको दिखा दिया, पीछे वाले के साथ दिखाऊंगा। तो ये देखिए शू, ये देखिए मजा, ये भाई एक्स डायनेमिक है, तो रेड कलर का इंटीरियर आता है, इंटीरियर पे बाद में बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पीछे से भाई जो गाड़ी की लुक निकल के आती है, यू विल जस्ट लव इट भाई। मुझे तो बहुत पर्सनली पसंद है ये गाड़ी, रेंज रोवर दिखने में कितनी प्रीमियम लगती है। या पीछे एक साइड भाई, ये दोनों एग्जॉस्ट अपने रियल है, यहाँ पे देखो पाइप निकलते हुए आपको दिखेंगे, इसमें देखिए गौर से, और इसमें देखिए फिर दोनों में पाइप है भाई, 2000 cc का इसमें सुपर चार्ज अपने को इंजन मिलता है। ये एक्स डायनेमिक है लैंड रोवर, रेंज रोवर, यहाँ पे इसकी ब्रेक लाइट और इंडिकेटर भी इसके बहुत प्यारे चलते हैं। और अब कई भाई सोच रहे होंगे भाई इसके अंदर तो वाइपर नहीं आता, वाइपर आता है भाई, लेकिन वो ऊपर की तरफ है, ये देखो ये छुपा रुस्तम इसका वाइपर ये रहा, और ये अपने को डिफोगर वाली लाइन देखने को मिल जाती है, बड़ा सा इसके अंदर स्पॉइलर देखने को मिलता है, तो गाड़ी की लुक में भाई 4 चांद लगा देता है। ये अपना ग्रीन टिंटेड ग्लास अपने को देखने को मिल जाते हैं। चलो अब इंटीरियर में चलते हैं मेन भाई, क्या इसके अंदर खास फीचर्स हैं, तो मैं इसको जस्ट ऐसे खोलूंगा। यहाँ पे हमको इसका डोर देखने को मिलेगा जो कि रेड इन कलर है, यहाँ पे 4 पावर विंडो मिल रही है, यहाँ पे और यूनिट कंट्रोल अपने को देखने को मिलते हैं। 3 memory seat function के साथ ही गाड़ी आती है भाई। यहाँ पे मेरिडियन के इसके अंदर स्पीकर है, स्पीकर ट्विटर स्पीकर, तगड़ा साउंड सिस्टम है भाई। रेंज रोवर लिखा गया है, आफ्टर मार्केट लोग लगवाते हैं, लेकिन रेंज रोवर में पीछे से ही आता है। यहाँ पे इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, लंबर सपोर्ट, ये पीछे का हर तरीके से एडजस्टमेंट इसका पॉसिबल है आपके पास। यहाँ पे अपने को बूट रिलीज करने का ऑप्शन मिलता है, और ये वाला जो आप बटन देख रहे हो ये भाई वो ये डिमिंग वाला, अगर आपको जैसे ये केबिन की लाइट डिम करनी है, ज्यादा करनी है, तो ये उस चीज के लिए बटन दे रखे। और रेंज रोवर भाई साहब तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आपको यहाँ पे बस केवल एक्सेलेरेटर और ब्रेक पेडल देखने को मिलेगा। अपना जो स्टेयरिंग व्हील है इसको आप मैनुअली ही इसमें एडजस्ट करोगे, ये ऊपर नीचे और आगे पीछे टिल्ट टेलीस्कोपिक दोनों। चले भाई अब करते हैं रेंज रोवर की बात, क्या बनाती है इसके इतना स्पेशल। तो सबसे पहले आप मीटर की तरफ नजर डालोगे तो आपको थोड़ी XUV500 जैसी याद नहीं आ रही भाई इसमें, बताओ बताओ नहीं आ रही ना, मैं वैसे ही बोल रहा था झूठ मूठ को भाई। 240 तक इसमें स्पीड मार्किंग है, और यहाँ पे इसका मिल जाता है अपने को टैकोमीटर, यहाँ पे अपने को सारा नोटिफिकेशन वगैरह बताता है भाई कि राइट टायर प्रेशर में वो कम है, ट्रिप कंप्यूटर यहाँ पे बताता है, डिस्प्ले सेटिंग आप चेंज कर सकते हो, बाकी व्हीकल सेटिंग अट्रम दुनिया भर का हेडसअप डिस्प्ले भी इसके अंदर आता है, जो कि आपको देखो भाई ये कैमरे में बस 1 सेकंड के लिए कैद होता है, जल्दी से अगर हो जाएगा तो। ये देखो ये वैसे कंसिस्टेंटली दिखाते रहते हैं, लेकिन कैमरे में पता नहीं कैद क्यों नहीं होता, जो ये बलेनो किया हुआ में आता है ये दिख जाता है, लेकिन इसका पता नहीं कैमरे में आते ही छुप जाता है यार। इसका कुछ उसका फ्रेम का सिस्टम होगा, और वो सर फ्लूड वगैरह जो भी मतलब दिक्कत रहती है गाड़ी में वो सब यहाँ पे बता देती है। और भाई
क्या है, डिस्प्ले क्या दिखाना है, ट्रिप वैंग, मतलब ये फालतू जो ड्राइविंग रिलेटेड आपको चीजें दिखानी होती हैं वो रेंज रोवर दिखाती है। फालतू तो क्या भाई, सब चीज काम की चीज है ये। इसके स्टीरियो कंट्रोल है, ऑडियो के वॉल्यूम अप डाउन और आगे पीछे करने का, आवाज ये साउंड बाउंड का हो गया, वॉइस कमांड हो गया, इसका क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। ये यहाँ पे उल्टा सिस्टम है भाई, इसके अंदर भी मर्सिडीज वर्सिडीज की तरह यहाँ से डिपर वगैरह मारते हैं और यहाँ से इसके वाइपर अपना जो है चालू हो जाते हैं। एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा भाई, वो स्टार्ट बटन हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे ही मैं इसको बंद करूंगा तो एक इंटरेस्टिंग चीज देखना, देख रहे हो, बताओ क्या है ये, गैस करो, ये गियर चेंज करने का है भाई। यहाँ पे मैं जैसे इसको ऑन करूंगा, देख रहे हो जादू भाई, वही है पैसा भाई, सब पैसे का खेल है। सारी कंपनियां अलग अलग तरीके से दे दें, मर्सिडीज यहाँ पे दे देती है ड्राइव मोड, रिवर्स मोड, कोई कुछ करता है, वो बीएमडब्ल्यू वाले उस डायमंड को लगा के दे देते हैं, ऐसे ऐसे कर दो वहां पे लिख के आ जाता है। इनका लैंड रोवर वालों का मेरे को सबसे कूल लगा भाई ये देख के, देखना घूमता हुआ जाता है ये, ऐसा नहीं कि बस उठता बैठता है, देखो घूमता है ये, क्या मजेदार चीज है ये। तो मतलब अगर आपको जैसे रिवर्स पे करनी है गाड़ी तो ऐसे घुमा दो, जैसे ईवीज में देखा है हमने नेक्सॉन वेक्सॉन में, तो रिवर्स करने पे एक और चीज कूल होती है। यहाँ पे देखना शीशे अब अपने हो रहे हैं ऊपर, जैसे ही मैं इसको रिवर्स पे डालूंगा ये देखिए शीशे अपने आप नीचे होते हैं, तो ये काफी अच्छी लगती है भाई। इसमें स्पोर्ट्स मोड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक इसकी लग गई। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, हिल डिसेंट कंट्रोल हो गया, ये एसी के कंट्रोल है, ये सीडी का कौन सा जमाना हुआ करता था, आजकल तो कुछ नहीं है वो है ये। यहाँ से अपना टेम्परेचर वेम्परेचर सेलेक्ट होता है, डुअल जोन एसी अपने को देखने को मिलता है। इसका छोटा सा स्टूडियो आता था जो पहले, उस तरीके का आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब थोड़ा सा ऐसा ही है यार, इंटरफेस इतना अच्छा नहीं है, पार्किंग सेंसर ऑफ करने का है। यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा है तो अपने को वो प्लेन व्यू वगैरह देखने को मिल जाता है, देखिए, लेकिन गंदे हैं कैमरे इसके थोड़े से, रियर जंक्शन व्यू, प्लेन व्यू, ये सब फालतू। लेकिन क्वालिटी कैमराज की बहुत घटिया है, मस्ट से। यहाँ पे अपना मोड वोड क्या चाहिए आपको गाने का, वीडियो अगर वीडियो वाले गाने चलाने हैं तो वो सब है, अपना यूएसबी से कनेक्ट करके आप चला सकते हो। ये फोन का हो गया, नेविगेशन का हो गया, ये पूरा सॉफ्ट अपने को देखने को मिल रहा है भाई। यहाँ पे आप बात करोगे तो ग्लव बॉक्स देखने को मिल रहा है हमको, रेड इंटीरियर है एक्स डायनेमिक में। यहाँ पे ये वाली जो सीट है इसमें भी हमको तीन मेमोरी फंक्शन मिल जाते हैं, तो अनलॉक करने का ऑप्शन है, यहाँ पे भी देख सकते हो आप। इसमें क्या है, ट्विटर बहुत ज्यादा है तो भाई ट्रबल बहुत ज्यादा बनती है। ये इसकी मून रूफ है भाई, जो 8 लाख रुपए की आती है, एक बार खराब हुई, चटकी, टूटी, फटी, कुछ भी हुआ, 8 लाख रुपए में बदलेगी। मेरी स्कॉर्पियो एन की मेरे ख्याल से 55-60 हज़ार रुपये में बन की आ गई थी पूरी। ये रेंज रोवर है, लैंड रोवर है, तो इसकी हमेशा सुनते हैं रेंज रोवर की भाई, इनकी सर्विस कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अभी जैसे हम इस पे खड़े थे ना, डांस वांस कर रहे थे हम, छह लोग थे उस टाइम उत्तराखंड गए। अब हम अभी तो जैसे हम दो थे, दो थे पनकोट गए थे, छह लोग थे, डांस वांस करने लग गए, थोड़ा सा मस्ती के मूड में थे, तो ये रेंज, ये जो मून रूफ है ना, ये चटक गया था। अच्छा, जो मैं लास्ट वीडियो में दिखा रहा था। अच्छा जी, फिर हमने इंश्योरेंस कंपनी से उसका क्लेम करवाया, तो 8 लाख रुपए का था कंपनी में इसकी कॉस्ट। इंश्योरेंस कंपनी को 8 लाख रुपए में ग्लास, कौन सी कंपनी का ग्लास लगा रहे हैं भाई ये ऐसा 8 लाख रुपए का, गाड़ी के कॉस्टिंग के हिसाब से वो भाई पार्ट्स का ही तो एक्स्ट्रा लेते हैं, तो इसका तो इंश्योरेंस भी फिर महंगा होता होगा। अभी जो इंश्योरेंस है वो 1,84,000 रुपए का करवाया है मैंने लेने के बाद में। और भाई साहब, मतलब 9 साल बाद भी 1,84,000 रुपए का। देखो भाई, रेंज रोवर के फीचर तो सही है, लेकिन ये ओनर से आपने सुना 1,84,000 रुपए का 9 साल बाद भी इस रेंज रोवर का 0 डेप, वो चीज भाई यहाँ पे भी देखने को मिलती है 8 लाख रुपए की। तो इनकी सनरूफ आती, बताओ, मतलब मून रूफ ये खुलती भी नहीं है। यहाँ पे हमने को ब्लैक रूफ मिलती है, तो यहाँ पे वैनिटी मिरर के साथ लाइट भी है, यहाँ पे सनग्लास होल्डर तक नहीं है भाई इसके अंदर। और यहाँ से जो इसका ब्लाइंड फोल्ड है ना केवल, ये आगे पीछे होता है, ये पर्दा है और तो बाकी कुछ नहीं होता। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम चीज़ अपने को देखने को मिल जाती है। सीट्स क्वालिटी बहुत अच्छी है, और यहाँ पे हमको इसका मिलता है भाई आर्मरेस्ट इस तरीके से, ये हम ऐसे कवर भी कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी अपने को ड्राइव मोड, ये फन मोड, ये ग्रास मोड, ये सब देखने को मिलता है। यहाँ पे अपना छोटा मोटा सामान आप रख सकते हो, यहाँ पे बाकी सिगरेट होल्डर विगरेट होल्डर है। और यहाँ पे आप बात करोगे तो ये अपने को देखने को मिलता है 12 वोल्ट का सॉकेट भी। यहाँ पे 2 USB पोर्ट हमको देखने के लिए मिल जाते हैं भाई, यहाँ से अपना फोन वोन आप चार्ज करते हो। चलिए अब जरा थोड़ा सा पीछे की साइड में लेके चलता हूँ, वहाँ पे स्पेशल चीज़ है, लेकिन उससे पहले फोन काटने का क्रूज कंट्रोल वगैरह हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब मैं जैसे ही इसको खोलूंगा और पीछे की साइड जाऊंगा, तो अब आप एक स्पेशल चीज देखोगे भाई, ये यहाँ पे आते ही इसके अंदर ये एसी वेंट देखने को मिल रहे हैं, इवोक लिखा गया है। पीछे की साइड यहाँ पे फोन वोन रखने की जगह है, एक अपने को 12 वोल्ट का सॉकेट मिल रहा है, और ये पिन सी दे रखी है जो बहुत मंदे टाइम में हम लोग देखा करते थे। अब इसकी जो सीट्स है ना, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग टीवी से लगे हुए हैं भाई, ये इसका जो एक्स डायनेमिक है ना, इसमें वो चीज़ हमको देखने को मिलती है। और यहाँ पे इसका रिमोट है इसको चालू वालू करने का, तो ये जो रिमोट है हम इसको बटन को दबाएंगे तो हमको देखिए कुछ चीज़ देखने को मिलेगी।
यहाँ इसको ऑन करूँ क्या, रियर सीट एंटरटेनमेंट। इसमें कुछ यूएसबी व्यूज भी पोदेंगे तो वो चल जाएगा भाई, पर आज के टाइम में रील्स वील्स इंस्टा विंस्टा शॉर्ट वोट देखने पे लोगों को फुर्सत नहीं इन चीज़ों को, तो कौन ही देखेगा भाई। ये लेगी से स्क्रीन हुआ करती थी जो ये लाल लाल कलर का, इसमें पूरा सिस्टम है, ये स्पीकर ट्विटर अपने वही आ रहे हैं। यहाँ पे हमको पीली लाइट देखने को मिलती थी उस टाइम, तीन हेडरेस्ट हमको देखने को मिलते हैं। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज भाई इस गाड़ी के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हर गाड़ी का बोनट हम मैंने आज तक आपको जितनी गाड़ी दिखाई सबका वहां से खोलता हुआ दिखाया है। इस गाड़ी में आपको डिफरेंट चीज देखने को मिलते है भाई, रेंज रोवर डिफरेंट है ना ओरो से। यहाँ पे दे रखा है भाई इसका ये बोनट खोलने का पैसेंजर साइड, इसका वो डंडी सी ना बाहर ही दे रखी है, ऐसे ज्यादा वो नहीं है और हाइड्रोलिक्स पे अपना उड़ जाता है इस तरीके से लैंड रोवर। और ये भाई 2200 सीसी है क्योंकि ये हमारा 2016 वेरिएंट है ना, इसके बाद 2000 सीसी का आना स्टार्ट हुआ था। और भाई ये निकालता है 187 bhp और यहाँ पे हमको 420 न्यूटन मीटर्स के लगभग इसके अंदर टॉर्क देखने को मिलता है। और मैं बता देना चाहता हूँ भाई ड्राइव टाइप ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है, चारों पहिए एक साथ घूमते हैं इसके। चलो अब घुमाते हैं चारों पहियों को, बैठते हैं इसके अंदर और लेके देखते हैं इसकी राइड। जो गियर शिफ्टिंग वगैरह है ना, इसका उल्टा सिस्टम है यार, हाई पर डिपर का हाई। भाई डर तो नहीं लग रहा मेरे साथ, ये क्या है, ये रोड है थोड़ी सी हल्की हल्की आई हैंडलिंग वगैरह यार, बट अ सुपर राइड भाई, सुपर रेंज रोवर इज लव। ऐसे स्पोर्ट्स कार की तरह चल रही है, हां स्पोर्ट पे लग गया भाई, ये देखो स्पोर्ट पे हमारे हाथों में भाई, ऐसा उहाना चली जाए उस खेत में। ये ओ भाई साहब क्या फील है भाई गाड़ी में भाई। तो ये था भाई रेंज रोवर का हमारा थोड़ा सा ड्राइविंग एक्सपीरियंस, मजा आया भाई गाड़ी को चला के, बहुत मस्त भागती है। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।